हेलो एवरीवन, रितु खन्ना गुड लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैंने अपनी वीडियो को टाइटल दिया है कुकिंग इज़ फन। मैंने इवनिंग के समय अपने लिए बनाया है एक बिग मोमो, जो कि बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी बना था और बनाने में काफ़ी मज़ा भी आया और खाने में तो था ही बड़ा मज़ेदार, जिसको मैंने हरी चटनी और मोमोज़ की रेड चटनी के साथ खाया। और मोमोज़ की रेड चटनी की रेसिपी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मोमोज़ तैयार है खाने के लिए, जो बहुत ही मज़ेदार बना है। तो इसकी रेसिपी अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है, साथ में ले रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक, एक चम्मच तेल का। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके पानी डालकर नॉर्मल आटा गूंद लेंगे, जैसे कि हम चपाती का बनाते हैं। देखिए, अब हम आटा गूंद रहे हैं और हमें नॉर्मल आटा ही गूंदना है। तो आटा हमने गूंद लिया है, अब हम इसको ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और आगे फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। मेरे पास रखी हैं कुछ सब्जियां, आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इन सब्जियों को एक चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लूँगी। देखिए, मैंने सब सब्जियों को चॉपर में डाल दिया है और अब मैं इनको चॉप कर लेती हूँ बिल्कुल बारीक। तो सब्जियों को हम चॉप कर रहे हैं। देखिए, ये एकदम बारीक हो चुकी हैं। अब मैं एक पैन में एक चम्मच ऑयल का डाल रही हूँ, साथ में इन चॉप की हुई सब्जियों को। इनको हमने 1 से 2 मिनट के लिए बस भूनना है। साथ में रखा है मेरे पास थोड़ा सा पनीर, उसको भी मैंने मैश कर लिया है और वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। पनीर डालकर भी हम कुछ सेकंड के लिए बस भूनेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी नमक 1/2 टीस्पून, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। साथ में पिज़्ज़ा मसाला 1/2 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम डो जो हमने तैयार किया है उसकी हम एक चपाती बना लेंगे, बड़ी सी और थिन चपाती जो हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने एकदम पतली बनानी है। हमने एकदम थिन चपाती बेली हुई है, ये देखिए एकदम थिन है ये चपाती। अब इसके अंदर हम ये जो हमने मिक्सर तैयार किया है वो डाल देंगे। और मोमोज की शेप में हम इसको रैप कर लेंगे। देखिए, हमने तैयार कर लिया है एक बड़ा सा मोमो। अगर आप आसानी से कुछ बनाना चाहते हैं और मज़ेदार सा, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो देखिए, हमने एक मज़ेदार बड़ा सा बिग मोमो तैयार कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ एक प्लेट जिसमें हम स्टीम करेंगे। पहले मैं इसको ऑयल लगा लूँगी अच्छे से, जिससे कि हमारा मोमोस इसमें चिपकेगा नहीं। अब मैं मोमोस को इसमें रख रही हूँ। देखिए, अब इसके ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे जो हमारा डो है वो ड्राई नहीं होगा मोमोस का। अब ये स्टीम करने के लिए तैयार है। मैंने ऐसे स्टीमर तैयार कर लिया है, देखिए। अब इसके अंदर मैं इस मोमो को रख रही हूँ।
और 10 से 12 मिनट के अंदर हमारा ये मोमो स्टीम हो जाएगा। फ्रेंड्स 12 मिनट के बाद मैं मोमोज को चेक कर रही हूँ और देखिए इसकी जो स्किन है कितनी ट्रांसपेरेंट हो गई है, यानी कि जो डो है वो अच्छे से पक गया है। तो हमारा जो मोमोज है वो बनकर तैयार है खाने के लिए और एक मज़ेदार इवनिंग स्नैक। फ्रेंड्स मेरा बड़ा सा जो बिग मोमो है वो बनके तैयार है, जो देखने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार था। आप इसको लंच में भी बना सकते हैं फॉर ए चेंज, और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आपको यह वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। थैंक यू।